Hi everyone, how are you? Today we are going to do the first exercise from direct to indirect form. How to do this? This is exercise number one. Present indefinite becomes past definite. Present indefinite में कैसे जुमले होते हैं? वो खाना खाता है, पीता है, आता है, जाता है. उसने खाना खाया था, पिया था, गया था, आया था. पास्ट इंडेफिनिट. अच्छा, तो इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट में ये सब डायरेक्ट है. मैं लिखता चलूँ, ये यहाँ से यहाँ तक ऑल सेंटेंसेस आर डायरेक्ट स्पीच. ये सब रेड कलर वाले डायरेक्ट हैं. अब इनडायरेक्ट हम करते हैं, इसको कैसे चेंज करेंगे. पहला है ही सेड आई एम नॉट अ फुटबॉलर. सेम सेंटेंसेस, सेम कोटेशन ऑफ द स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर. उसने कहा कि मैं फुटबॉलर नहीं हूँ. तो हमने क्या बनाना है? उसने कहा था कि वो फुटबॉलर नहीं था. उसने कहा कि वो फुटबॉलर नहीं था. इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ही सेड्स कंजक्शन आ गया दैट्स ही वॉज Not a footballer. He said he was not a footballer. तो इसको ये डायरेक्ट स्पीच है रेड कलर वाला, ये हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर दिया उसको. उसके बाद हमारे पास सेंटेंस है नंबर टू, शी सेड आई लाइक फ्लावर्स कह लें. इसको यहाँ लिख लेते हैं. इनडायरेक्ट में कैसे कहेंगे? शी सेड दैट शी He liked flowers. She said that she liked flowers या flowers. दोनों तरह आप बोल सकते हैं. तो ये indirect हो गया. आप दूसरा, तीसरा है हमारे पास direct speech में. He said I'm a painter. मैं एक painter हूँ. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, सब इन्वर्टेड कॉमा में लिखे हुए डायरेक्ट स्पीच रेड कलर वाले जो हैं. हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट? ही सेड्स दैट ही वाज अ He was a painter. He said that he was a painter. तो फिर उसके बाद he said to her, I drive a car. He said to her, उसने उसे कहा कि मैं गाड़ी चलाता हूँ. तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में? He said that he drove a car. Drove a car, drove क्या है?
second form of verb. Second form of verb. तो आप second form of verb जो है वो use करेंगे. Past indefinite में second form of verb use होती है. अच्छा, तो they said our father is not at home. इसको इधर ही लिख लेते हैं. उन्होंने कहा कि उनके फादर, उनके वालद घर पर नहीं हैं. इसको हम कैसे लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में? दे सेड्स दैट्स देयर फादर was not at home. पहला है direct form में. They said our father is not at home. उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब घर पर नहीं हैं. तो indirect में कैसे करेंगे? They said, उन्होंने कहा that their father was not at home, कि उनके वालद घर पर नहीं थे. कोई सुनता है एक बात को तो आगे जाके उसने किसी को, किसी ने भेजा कि उसके फादर का पता करो वो घर पे हैं या नहीं. तो वो जो बच्चे जवाब देंगे उसने आगे जाके उसको किस तरह बताना है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें तो आपके लिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना कोई मुश्किल नहीं हो जाएगा. और एक यहाँ बताता चलूँ कि ऐसी सिचुएशन में आप टोल्ड भी लिख सकते हैं. यहाँ पे टोल्ड लिख दें या सेट लिख दें तो दोनों तरह से ठीक है. बताने की, जहाँ पे बताने की सेंस आए तो वहाँ पे आप सेट भी लिख सकते हैं, टोल्ड भी लिख सकते हैं. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. आई ट्राई टू मेक इट्स ईजी फॉर यू. इफ यू हैव सम डिफ़िकल्टी, इफ यू हैव सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. एंड आई होप you subscribe my channel.